हेलो गाइस, वेलकम टू एसए ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, आप जैसा कि जानते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट से सबसे ज़्यादा आपका एग्जाम में पूछा जाता है, करीबन 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी को मैं 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 का सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं उसको एक साथ लिखकर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन हो गया, नाइट्रोजन एग्जिबिट प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट बट इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। नाइट्रोजन एग्जिबिट करता है प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट लेकिन वो पेंटाहेलाइड स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, ये आपको बताना है, ये एक्सप्लेन करके बताना है। सल्फर वेपर इज पैरामैग्नेटिक, सल्फर वेपर पैरामैग्नेटिक होता है, क्यों होता है आपको एक्सप्लेन करके बताना है। मोस्ट क्लोरीन इज पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट, मोस्ट क्लोरीन क्या है, एक पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है, क्यों है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है इसको कंप्लीट करके बताइए। उसके बाद में आया क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस विद फेवरेबल कंडीशन। आपको मैन्युफैक्चर अमोनिया का प्रोड्यूस कैसे होता है वो बताना है विद हेबर प्रोसेस, फेवरेबल कंडीशन, कुछ कंडीशन भी हो, कुछ कंडीशन को यूज करके आपको अमोनिया का आपका क्या करना है, मैन्युफैक्चर बताना है विद हेबर प्रोसेस। दूसरा हो गया, ड्रो द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ये सब स्ट्रक्चर हो गया इसका आपको क्या करना है, ड्रो करके बताना है। तो ये आपका 2015 में सारा क्वेश्चन आया है जो कि 8 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। फिर 2016 में मेंशन द बेसिसिटी ऑफ H3PO4, आपका इसका क्या लिखना है, बेसिसिटी लिखना है। और दूसरा हो गया, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये सब रिएक्शन हो गया इसको कंप्लीट करके बताना है 2016 में, सारा क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद आया तीसरा नंबर क्वेश्चन, ड्रो द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ H3PO2, हाउ डू यू अकाउंट फॉर रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। चौथा हो गया आपका, व्हेन HCl रिएक्ट विद फाइनली पाउडर्ड आयरन इट फॉर्म्स फेरस क्लोराइड एंड नॉट फेरिक क्लोराइड, एक्सप्लेन व्हाई। फिर पांच नंबर क्वेश्चन हो गया, वाट आर इंटरहेलोजन कंपाउंड, इंटरहेलोजन कंपाउंड क्या होता है, गिव अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनी वन इंटरहेलोजन कंपाउंड। आपको एक प्रिपरेशन बताना है, उसका मेथड बताना है कि इंटरहेलोजन कंपाउंड कैसे बनता है। हो गया 2017 का तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। 2017 में क्या क्वेश्चन पूछा है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, आपको रीजन बताना है ये सब के लिए कि कौन सा क्या क्या है। ब्लीचिंग बाय क्लोरीन इज परमानेंट वाइल दैट बाई सल्फर डाइऑक्साइड इज टेम्प्रोरी। ब्लीचिंग जो क्लोरीन का वजह से होता है वो परमानेंट होता है, लेकिन वाइल दैट द सल्फर डाइऑक्साइड के वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड का अगर हम लोग ब्लीचिंग करें तो वो टेम्प्रोरी होता है, क्यों। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, NH3 एक्ट एज अ लेविस बेस, NH3 क्या होता है, लेविस बेस का तरह काम करता है, क्यों करता है, ये रीजन बताना है। NO2 डाइमराइजेस, NO2 क्यों डाइमराइजेस दिखाता है ये आपको बताना है। फिर चार नंबर क्वेश्चन हो गया, इन द रिएक्शन बिटवीन HCl एंड पाउडर आयरन फेरिक क्लोराइड इज नॉट फॉर्म्ड, ये सबका बीच में रिएक्शन होगा, HCl और आपका बीच में आयरन फेरिक क्लोराइड के बीच में आपका क्या होगा, रिएक्शन होगा, तो उसमें क्या नहीं बनेगा वो बताना है। इन द रिएक्शन बिटवीन HCl एंड पाउडर आयरन फेरिक क्लोराइड इज नॉट फॉर्म, फेरिक क्लोराइड क्यों नहीं बनेगा ये बताना है। HCl और पाउडर आयरन के बीच में रिएक्शन कराए तो फेरिक क्लोराइड क्यों नहीं बनेगा ये बताना है आपको। फिर हो गया 2018 में, एक्सप्लेन वाई NO2 डाइमराइजेज, जैसा कि ये आपका 2017 में आ चुका है कि NO2 क्यों डाइमराइजेज होता है। फिर क्वेश्चन हुआ, वाई इज H2O अ लिक्विड, H2O इज ए लिक्विड एंड H2S इज अ गैस एट अ नॉर्मल टेम्परेचर। H2O लिक्विड क्यों है और H2S गैस क्यों है एक नॉर्मल टेम्परेचर में, ये बताना है। फिर तीन नंबर हो गया, व्हाट हैपेंस व्हेन पोटासियम क्लोराइड इज हीटेड विद मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, क्या होता है जब हम लोग पोटासियम क्लोराइड को हीट करते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ में, तो ये भी बताना है आपको कि क्या होगा रिएक्शन को अगर हम लोग ऐसा करें तो। फिर चार नंबर हो गया, व्हाट इज ओलियम, ओलियम क्या होता है। फिर पांच नंबर क्वेश्चन हो गया, फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर एज अदर हेलोजन ऑल्सो एग्जिबिट +1, 3, +3, +5, and +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्सप्लेन। कि जो हो गया फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्यों दिखाता है, दूसरा जो हेलोजन होता है वो +1, +3, +5, and +7 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ तक दिखाता है, ये क्यों, एक्सप्लेन करके बताना है आपको। छः नंबर क्वेश्चन हो गया, व्हाट आर इंटरहेलोजन कंपाउंड, इंटरहेलोजन कंपाउंड क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है पहले।
फिर हो गया वाई द नोबल गैसेस है वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, उन नोबल गैसेस का लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों है ये बताना है। फिर बोला है वाई इज Na2N2 लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, नाइट्रोजन जो हो गया डाई नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव क्यों होता है एट रूम टेम्परेचर में। फिर 2019 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट हैपेंड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, राइट सॉल्यूशन राइट इक्वेशन। आपको ये लिखना है कि क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम लोग पास करते हैं किससे, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट से, परमैंगनेट सॉल्यूशन से, तो क्या होगा राइट इक्वेशन, उसका इक्वेशन लिखना है। फिर 2019 का ये क्वेश्चन हो गया बी नंबर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड मेंशन इट्स शेप, आपको स्ट्रक्चर लिखना है इस कंपाउंड का और इसका शेप क्या होता है ये बताना है। फिर सी नंबर हो गया कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये सारा रिएक्शन दिया है इसको कंप्लीट करके बताइए। फिर डी नंबर क्वेश्चन हो गया H2S एक्ट एज ओनली एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वाइल SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट वाई, ये आपको बताना है कि H2S जो हो गया सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट कर दिखाता है लेकिन ये सल्फर डाइऑक्साइड आपका ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों दिखाता है। फिर ई नंबर क्वेश्चन हो गया डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, ये भी क्वेश्चन आ चुका है अमोनिया का आपका कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है हेबर प्रोसेस से विद फेवरेबल कंडीशन, कुछ कंडीशन को आपको जाहिर करके दिखाकर। 20 नंबर हो गया गिव रीजन 2020 के लिए 2020 के लिए गिव रीजन थ्रू नाइट्रोजन एग्जिबिट प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट बट इट डज नॉट फॉर्म पेंटाइलाइट, ये 2015 में आ चुका है। हेलोजन आर कलर्ड, हेलोजन क्यों कलर होता है ये आपको बताना है। NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, NH3 क्या करता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है लेकिन PH3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, ये रीजन आपको बताना है। फिर अब क्वेश्चन हो गया कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये सब जो ये हो गया आपको इसका कंप्लीट करके बताना हो गया। अब 3 नंबर हो गया व्हेन HCl रिएक्ट विद फाइनली पाउडर्ड आयरन इट फॉर्म्स फेरस क्लोराइड एंड नॉट फेरिक क्लोराइड व्हाई, ये जो हो गया HCl रिएक्ट करता है फाइनली पाउडर आयरन के साथ, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, इट फॉर्म्स फेरस क्लोराइड एंड नॉट फेरिक क्लोराइड, लेकिन ये फेरिक क्लोराइड नहीं बनाता है सिर्फ फेरस क्लोराइड बनाता है, क्यों कारण क्या है इसका। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन H3PO3, H3PO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है फॉस्फोरस का ये बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया हाउ कैन यू प्रिपेयर क्लोरीन फ्रॉम HCl एंड HCl फ्रॉम Cl2 राइट रिएक्शन ओनली। अगर गाइज वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइज इतना ही आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपको 2020 तक था, सो गाइज आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।